सर, 20 दिसंबर को पुलडोड़ा के पास एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन आज जो है पुलिस ने उन्हें जिंदा बरामद किया है, जिंदा पकड़ा है हरियाणा से। इसके बारे में थोड़ा सा पूरा बताइए, क्या स्टोरी है इसके पीछे? ये 20 दिसंबर को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है मॉर्निंग में कि एक छोटी कार है, अल्टो कार, उसका एक्सीडेंट हुआ है चिनाब रिवर के किनारे गटसू जगह पे। वहाँ इतला मिलते ही जब भी जो सभी रेस्क्यू टीमें और पुलिस की टीम्स वगैरह मौके पे पहुँची, इसके बाद मैं और डीसी डोडा और जितने भी हमारे बाकी सीनियर ऑफिसर्स थे और रेस्क्यू टीम्स वो वहाँ पे पहुँची। हमने एक रेस्क्यू स्टार्ट किया वहाँ और काफ़ी देर तक हमारा ये रेस्क्यू रहा। हमने आर्मी की भी हेल्प ली, इसमें रिकवरी वैन्स यूज़ हुई। इसके साथ ही हमें कुछ 3 चीज़ें वहाँ से मिली, एक इनके जो कार्ड्स थे, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, एक लेडी का पर्स मिला और एक बच्ची की जैकेट मिली। इसके अलावा हमें कोई चीज़ वहाँ से मिली नहीं। हमने बड़ी मशक्क़त के बाद, 3-4 घंटे की मेहनत के बाद वो गाड़ी को बाहर निकाला और उस गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद थोड़ा सा शक होने लगा हमने और इस पर हमें मज़ीद तफ्तीश करने के लिए इसका कॉल डिटेल एनालिसिस हमने जब किया, उससे मालूम हुआ कि ये यहीं इसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। इसके बाद हमने फिर पूरी कोशिश की अपना टेक्निकल एनालिसिस से और इसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह देखी गाड़ी की मूवमेंट की, मॉर्निंग में जब ये भद्रवाह से चला और इस एरिया में आया तो हमें शक हुआ कि इसने जम्मू जाना था, यहाँ क्यों आया। उसके बाद हमने अपनी तफ्तीश थी जो वो जारी की तो कुछ हमें शक होने लगा कि ये हो सकता है कि कोई फेक टाइप का एक्सीडेंट हो। उसमें फिर हमने इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश की तो ये फाइनेंशियली काफ़ी इस पर कर्जा था। इसके 2-3 वारंट भी निकले थे JMIC अखनूर से, जिनको वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चिट्ठी भी लिखी थी वहाँ के मजिस्ट्रेट ने, वो भी एग्जीक्यूट होने थे। 19 तारीख को इसको कोर्ट में पेश होना था, ये वहाँ नहीं हुआ। 20 तारीख को ये वाकया पेश हुआ, हमें पूरा शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर हमने टेक्निकल सर्वेलेंस लगा दी और जितने भी हमारे रिसोर्सेज वगैरह थे हमने वो यूज़ किए। तो हाल ही हमें एक दिन पहले हमें इतला जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस चल रहा था तो उसमें हमें इसकी लोकेशन ट्रेस हुई पंचकुला हरियाणा में। वहाँ हमने टीम भेजी, हमारे चौकी अफसर हैं भाला अंकुश, ये गए वहाँ टीम के साथ और इन्होंने हरियाणा पुलिस की मदद से इनको ट्रेस आउट किया और इनको हमने वापस लाया यहाँ। सर, इन पर FIR नंबर थोड़ा सा बताएं, FIR। हाँ, इस पर FIR हमारी 182/2022 लॉन्च हुई है और उसी की हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे हम रेलिवेंट प्रोविजन से आते हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। क्या आप मानते हैं कितनी बड़ी कामयाबी आपके लिए इस तरह की है? हाँ, ये अच्छा है, कामयाबी है। जो भी पुलिस को या सिस्टम को मिसलीड करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी और ऐसा कोई ना करे फ्यूचर में, इसलिए हमने इसको ओवरकम किया। आम पब्लिक को क्या मैसेज आपके? आम पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि ऐसी जो फेक स्टोरियाँ वगैरह लोग बनाते हैं उनसे बचें और उनके पास कोई भी ऐसी इतला आती है हमारे साथ शेयर करें। हालांकि इसकी इतला कहीं नहीं थी इस एरिया में, हमने इसको टेक्निकल जो हमारी साइबर सेल की टीम है इसमें इसने काफ़ी मेहनत की और मेहनत के बाद हम इनको लोकेट कर पाए और विद इन 24 आवर इनको रिकवर करके हम लाए। सर, कितने दिन के बाद आपने इनको रिकवर किया है और हरियाणा में किस जगह पे आपने इन्हें पकड़ा है और वहाँ पर ये क्या कर रहे थे इन दिनों? अभी इनको हमने तकरीबन 12-13 दिन के अंदर कर लिया है रिकवर और हरियाणा पुलिस की मदद से हमने पंचकुला एरिया से इसको एक फैक्ट्री में ये काम कर रहा था वहाँ से इसकी रिकवरी की। सर, सुनने में आई इसका यहाँ पर बिजनेस है और ये डाउनफॉल चल रहा था इसका तो? हाँ, इसने एक आइसक्रीम और गचक की फैक्ट्री लगाई है, वो भी कर्जा ले रखा था काफ़ी, वो भी उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हमने स्टडी की, इसमें पूरा हर एक पहलू से देखा तो वो चीज़ें देखते हुए इसका जो फाइनेंशियली ये साउंड नहीं था। सर, क्या इसके पीछे और भी इस स्पोर्ट में इसके साथ कोई लोग हैं? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें ऐसा कुछ नहीं। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। ठीक है।